राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास तो हो गया, लेकिन ट्रेंडिंग में आ गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र 90 पार हो चली है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन राज्यसभा में व्हील चेयर पर बैठे मनमोहन सिंह की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में है। दिल्ली सर्विस बिल सोमवार को राज्यसभा में पास हो गया। लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल राज्यसभा पहुंचा था, जहां इसके पक्ष में 131 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 102। इस तरह दिल्ली सर्विस बिल आसानी से दोनों सदनों में पास हो गया। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग पूर्व पीएम के इस हाल में सदन में पहुंचने को लेकर उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 90 साल की उम्र में सदन पहुंचना काबिले तारीफ है। तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री को सदन में सबसे पीछे खड़े देखा जा सकता है। इस तस्वीर में पूर्व पीएम के आगे सीढ़ियां नजर आ रही हैं। यही वजह है कि व्हीलचेयर को आगे नहीं ले जाया गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर उन्हें राज्यसभा में पेश होने की गुजारिश की थी। पार्टी ने कहा, राज्यसभा में 7 अगस्त को बहुत जरूरी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, इसीलिए राज्यसभा के सभी सदस्य मौजूद रहें। पूर्व प्रधानमंत्री भी राज्यसभा सांसद हैं और वो पार्टी की गुजारिश पर सदन पहुंचे। 90 साल की उम्र होने की वजह से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य भी प्रभावित रहता है। हालांकि मनमोहन सिंह ने न सिर्फ सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया बल्कि उन्होंने वोटिंग में भी हिस्सेदारी की। वहीं संसद में सोमवार को दिल्ली सर्विस बिल पारित किया गया। इस बिल के जरिए केंद्र सरकार को दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण मिलता है। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े जबकि विपक्ष में वोट देने वाले सांसदों की संख्या 102 रही। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल का बचाव करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना है। कांग्रेस ने इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा, अपने सोशल अकाउंट पर मनमोहन सिंह की तस्वीर के साथ पीएम मोदी की तस्वीर को पोस्ट किया। उसे कैप्शन दिया, इंटीग्रिटी वर्सेस एस्केप, यानी ईमानदारी बनाम भगोड़ापन। भाजपा ने भी मनमोहन सिंह की तस्वीर शेयर की, जिसमें लिखा कि ये कांग्रेस की सनक है जो स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में भी एक पूर्व प्रधानमंत्री को देर रात व्हील चेयर पर बैठाए रखा, वो भी सिर्फ अपना बेईमान गठबंधन जिंदा रखने के लिए। राज्यसभा से बिल पास हो जाने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपका साथ देने के लिए दलों को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से लाए गए इस काले कानून के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे नेताओं ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया है। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है, आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसी ही जानकारी से भरपूर खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।